हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल में लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन करने वाले हैं हम इस क्लास में। जो सबसे बड़ा एक मेन इशू आ रहा था काफ़ी लोगों को, तो उसको सॉल्व करने की एक छोटी सी कोशिश की है, तो वो देखते हैं। अभी तक ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी वीडियोस चैनल पे मिल नहीं पा रही थी, गूगल पे सर्च नहीं हो पा रही थी, तो उसी का समाधान ये किया गया है। आप सिंपली गूगल के ऊपर टाइप कीजिए द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश सर। जैसे आप ये टाइप करेंगे उसके बाद में सीधा सर्च मारेंगे तो आपको मेरी जो वीडियोज़ का लिंक है वो चैनल पर ले जाएगा आपको। वहाँ पर चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आपको, जो भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ देखने हैं, जो भी टॉपिक अभी चल रहे हैं, चाहे रीजनिंग हो गया हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे कोई वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई अपडेट आया हो, तो वो सब कुछ आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो द हिंदू एडिटोरियल के साथ साथ आप बाकी चीज़ों का भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो वो चीज़ थी जो आप अभी तक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के ऊपर। जीवन साइकिल है, संतुलन में रहने के लिए आगे बढ़े। क्या समझ पाए आप इस छोटी सी लाइन का और कितना गहरा मतलब कि असर है और मतलब है इसका? जिस प्रकार से साइकिल चलती रहती है तो वो संतुलित रहती है, उसी प्रकार से जीवन में को भी संतुलित करने के लिए आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइकिल को नहीं चलाओगे, कहीं पे रोक देते हो जब उसकी पैडलिंग करनी, तो असंतुलित हो जाते हो आप और आपको पैर नीचे रखने पड़ते हैं या फिर आप गिर जाते हो। तो उसी प्रकार से जीवन को भी संतुलन में लाने के लिए आपको हमेशा कोशिश ये करनी है, चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे आप उससे ऊपर के जीवन में हो, व्यवहारिक हो, चाहे सांस्कृतिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे किसी भी एज में हो आप, तो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ये था आज का मोटिवेशन कोट। काफ़ी मतलब इससे एक अजीब प्रकार की ऊर्जा मिलेगी आपको जब इस प्रकार से आप सोचोगे इसमें कि लाइन भले ही छोटी हो लेकिन ये आपके कल को डिसाइड करती है। जैसे इसमें साइकिल में कल लिखा है ना, तो सेम उसी प्रकार से आपका कल क्या होगा वो आपको लेके जाएगा उस ओर जब आप चलते रहोगे। तो मूव ऑन करते हैं जो आर्टिकल है अपना उस पर। तो उसका जो टाइटल है क्या है, ए बेटर रेट, यानी एक अच्छी दर। इससे आपको आइडिया लग गया होगा किसके सेंस में। इसमें बेसिकली बात उसके सेंस में की गई है जो रिकवरी रेट आया अभी न्यूज़ में, कि रिकवरी जो रेट है हमारा वो अब अच्छा हो गया है, जितने एक्टिव केसेस है उससे ज़्यादा हमारा रिकवरी का रेट आने लगा है। एक पर्टिकुलर फिगर भी दी गई है इसमें, वो अभी आगे जब पूरा डिस्कशन करेंगे तो उसके टाइम पर आपको पता चल जाएगा क्या है। और हाँ, किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है वो। तो सबसे पहले वोकैब की ओर मूव करते हैं। तो आज की जो पहली वोकैब है वो है रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का लाभ होना, यानी आपकी सेहत में सुधार आया और अच्छी बात हुई। ए रिटर्न टू ए नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ माइंड और स्ट्रेंथ। कॉज मतलब होता है कारण, कि क्या वजह है। ए पर्सन और थिंग डेट गिव राइज टू एन एक्शन फिनोमिना और कंडीशन। चीयर मतलब प्रसन्नता, आप काफी खुश हैं। शाउट फॉर जॉय और इन प्रेज और एनकरेजमेंट। कंप्लेसेंसी आत्मतुष्टि, ए फीलिंग ऑफ स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट। यानी आपके अंदर एक तरह से अजीब प्रकार की ऊर्जा है, आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो चुके हो। ब्लिक ऐसी सिचुएशन नॉट हेल्पफुल और एनकरेजिंग, अनलाइकली टू हैव ए फेवरेबल आउटकम। मतलब कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन उसके अनफेवर में भी एक फेवरेबल बात हुई, मतलब पूरी कंडीशन में किसी अच्छी घटना का घटना। फैटिक मतलब होता है थकान, आप बहुत ज़्यादा थकावट में हो, थकान हो गए हो पूरी तरीके से, मतलब आप टायर्ड हो गए हो। एक्सट्रीम टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन और इलनेस। माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर, ए सिग्निफिकेंट स्टेज और इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। कुछ आपने ऐसा हासिल कर लिया जो एक अलग ही आपकी खुद की अचीवमेंट है। स्टेडी मतलब स्थिर है, फॉर्मली फिक्स सपोर्टेड और बैलेंस, नॉट शेकिंग और मूविंग। फर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर, कि कितने लोग मर रहे हैं उसके सेंस में फर्टिलिटी का बताया गया है। एंड अकरेंस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट इन वार और फ्रॉम डिजीज, चाहे वो एक्सीडेंट से मर रहे हो, चाहे वो बीमारी से मर रहे हो, चाहे वो किसी वार में लड़ाई झगड़े की वजह से मर रहे हो।
नेवर्थलेस यानी तथापि, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, और ये सभी एक ही चीजें हैं। वॉरियर मतलब योद्धा, स्पेशली इन फॉर्मर टाइम्स, ए ब्रेव और एक्सपीरियंस सोल्जर और फाइटर। जब पुरानी बात करें तो उस टाइम पे वॉरियर उसको कहा जाता था जो बहुत एक्सपीरियंस सोल्जर्स होता था, जो बहादुर जवान होता था, और या फिर जो युद्ध करने जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे वो डॉक्टर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, बैंकर्स हो गए, और जितने भी एसेंशियल सर्विस में, क्या हर कोई, जितने भी लोग हैं जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल सभी में हैं, वो सभी आज के टाइम पे एक तरीके से वॉरियर हैं। डिस्चार्ज मतलब मुक्त करना, द एक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग समवन फ्रॉम ए हॉस्पिटल और फ्रॉम द आर्म फोर्सेज और पुलिस। स्लैकन मतलब कम करना, रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी, किसी चीज का जो प्रकोप है उसको कम करने का, वो कहते हैं स्लैकन। डिजास्टेरियस मतलब संकटपूर्ण है, भयानक है, काफी खतरनाक है, कॉजिंग ग्रेट डैमेज, और जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब इसके परिणाम, क्या इसका परिणाम होगा। ए रिजल्ट और इफेक्ट, टिपिकली वन डेट इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट। कॉन्टिनम अबाध क्रम यानी कॉन्टिन्यूस एफर्ट, ए कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस इन विच एडजेसेंट एलिमेंट्स आर नॉट परपिसेटिवली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट द एक्सट्रीम्स आर क्वाइट डिस्टिंक्ट। मतलब हमेशा लगातार इसके ऊपर कॉन्टिन्यू काम करना है, तो इसका मतलब कॉन्टिनम है। और इन केस एग्जामिनेशन में या कहीं पे भी आप देखोगे तो इसमें आप स्पेलिंग मिसमैच करके आ जाओगे, इन केस कभी। तो इसकी जो वोकैब का जो वर्ड है वो क्या है, CONTINWM, तो इसका मतलब यह कॉन्टिन्यूस यानी लगातार। थ्रेट मतलब खतरा होता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रबल, डेंजर और रुइन। ओवरवेलमिंग यानी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना, बहुत व्यापक स्तर पे कोई चीज होना जो रोक ना सके, वेरी ग्रेट इन अमाउंट। स्ट्रेच यानी ताना हुआ, यानी खींचा हुआ एक तरीके से यहाँ से वहां तक। ऑफ समथिंग सॉफ्ट और इलास्टिक, बी मेड और बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड लॉन्गर और वाइडर विदाउट टियरिंग और ब्रेकिंग। मतलब कुछ ऐसा है, इलास्टिक चीज है जो यानी फ्लेक्सिबल है, जिसको हम खींच के बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है बिना उसको तोड़े मोड़े। ट्राइज मतलब एक प्रकार की हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले किसका इलाज किया जाए। द असाइनमेंट ऑफ डिग्री ऑफ अर्जेंसी टू वाउंड्स और इलनेसेस टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट और कैजुअलिटीज। मतलब कि जो ज्यादा बीमार है उसमें और जो नॉर्मल बीमार है उसमें, कि किसका ज्यादा जरूरत है पहले इलाज करने की और किसको थोड़ा बाद में भी किया जाए तो उसका काम चल सकता है, तो उसको कहते हैं ट्राइज। मतलब प्रायोरिटी सेट करना हमें ट्रीटमेंट के टाइम पे पेशेंट की। क्वारंटाइन मतलब अलग करना, ए स्टेट पीरियड और प्लेस ऑफ आइसोलेशन इन विच पीपल और एनिमल्स डेट हैव अराइव फ्रॉम एल्सवेयर और बीन एक्सपोज टू इन्फेक्शियस और कंटेजेंस, यानी कि जो छुआछूत वाली जो बीमारी होती है उनसे ग्रसित हैं तो उनको अलग करके रखा ना, तो उसे क्वारंटाइन कहा जाता है। काफी कॉमन शब्द हो गया आज के टाइम पे, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, COVID-19 पैंडेमिक, एपिडेमिक, ये सारी चीजें। तो जो आज के आर्टिकल है उसका टाइटल आपको पता चल गया था, तो उसका टाइटल क्या है, ए बेटर रेट यानी एक अच्छी दर। द राइज इन द रिकवरी रेट इज कॉज फॉर चीयर, और जो रिकवरी रेट में बढ़त देखी जा रही है ये कारण है चीयर्स का यानी उत्साह का। बट इट गिव्स नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी, लेकिन अब भी यह नहीं देता कोई जगह आत्मसंतुष्टि के लिए कि हाँ अरे वाह हमने तो बड़ी अचीव कर ली, क्योंकि अभी जो कंडीशन है वो कुछ भी हो सकती है। फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स और अच्छे पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना इन ए ब्लैक सिनेरियो, यानी जो अभी बैड चीजें हो रही है इतनी सारी, उसमें से एक अच्छी चीज, उम्मीद की किरण कह सकते हो आप इसे, उस पर फोकस करना। इट्स समटाइम यूजफुल इन अवॉइडिंग फैटिग, और कभी कभार ऐसी चीजें जब हमारे साथ बहुत कुछ बुरा घटे और हम एक पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस कर लें तो वो बहुत यूजफुल हो जाता है, यानी लाभदायक हो जाता है, क्या अवॉइड करने में यानी बचाने में हमें थकान से और फिर प्रोलॉन्ग कैंपेन जो हमारा चल रहा है उससे। डेट द टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज पीपल विद COVID-19, और जो टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज जिनको हम हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है COVID-19 जो पेशेंट है उनका, फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट एवर केस वॉज रिकॉर्डेड इन इंडिया, जब से भारत में पहला केस रिकॉर्ड किया गया इंडिया में, हैज एक्सीडेड द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इज डेफिनेटली अ माइलस्टोन। कहने का मतलब ये है जितने अभी एक्टिव केसेस हैं उससे ज़्यादा
जितने लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, यानी जो ठीक हो गए हैं, जो रिकवर हो गए हैं, वो ज़्यादा हैं, रिकवरी वाले ज़्यादा हैं, और अभी जो बीमार लोग हैं, एक्टिव केसेस हैं, वो कम हैं। तो एक प्रकार की हमारी एक अलग ही उपलब्धि है। एज ऑफ थर्सडे, जो वीरवार की बात है, ए टोटल ऑफ 1,46,716 यानी 1,46,716 लोग रिकवर हो चुके थे। वाइल द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, और जबकि जो एक्टिव केसेस थे वो कितने थे, 1,42,697 यानी 1,42,697 ये थे एक्टिव केसेस। द स्टेडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल डिस्चार्ज इज टू बी एक्सपेक्टेड, और हम यह एक्सपेक्टेड लगा के चल रहे हैं कि भले ही धीरे धीरे ये बढ़े, लेकिन जो डिस्चार्ज का जो रेशियो है वो जल्दी से इंक्रीज करेगा, स्पेशली गिवन डेट द, और जब ये दिख रहा है हमें, जो डिजीज इज नाउ नोन टू हैव ए केस फैटलिटी रेट, इस बीमारी की जो मृत्यु दर है इज जस्ट अबाउट 2.8% बताई जा रही है। एट डेट फिगर, और इन आंकड़ों के अनुसार, द रेट ऑफ रिकवरी, जो रेट ऑफ रिकवरी है यानी जो लोग ठीक हो रहे हैं, हैज नो अदर वे टू गो, वो कहीं और नहीं जाएगी, बट स्टेडली अपवर्ड्स, कि वो बढ़ेगी, अनलेस, जब तक कि इधर से उधर नहीं होगी, कब तक, देयर इज अ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम, अगर जब तक संपूर्ण जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है वो मिसमैनेज हो जाए, यानी कि उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, तो ही वो डाउन जाएगी रिकवरी रेट, वरना उसके बढ़ने के चांसेस हैं। नेवर्थलेस, यानी इसके बावजूद, और इसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर द वॉरियर्स ऑन द फ्रंट लाइन्स, और जो योद्धा हैं हमारे जो फ्रंट लाइन्स में जो लड़ रहे हैं इनसे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, वहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, बैंकर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, और बहुत सारे लोग, सभी जो भी फ्रंट लाइनर्स हैं, एंड फॉर द पीपल हु रन द हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री, और जितने भी लोग जो हेल्थ सिस्टम को चला रहे हैं देश में, दिस इज वन मैट्रिक डेट इज़ अ डायरेक्ट मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर इंटरवेंशन, ये एक तरीके का उनकी जो हस्तक्षेप किया उन लोगों ने, और उनकी सफलता का ही एक परिणाम है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, एक तरीके से हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। हाउ एवर, हालांकि, इट मस्ट बी रिमेंबर, यह भी ध्यान रखना चाहिए, डेट द इंडियन गवर्नमेंट रिवाइज इट्स डिस्चार्ज पॉलिसी, कि जो भारत सरकार है उसने अपने जो लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी देने की यानी मुक्ति के देने की जो पॉलिसी है, जो नियम कायदे हैं, उसमें कुछ बदलाव किया है, एज हैव सम अदर नेशन, जैसे कुछ अन्य देशों ने भी किया है, उसी के साथ साथ भारत सरकार ने भी उसमें बदलाव किया है। तो क्या बदलाव है वो भी देखते हैं, लिखा है या नहीं लिखा। नो लॉन्गर डज ए पेशेंट हैव टू टेस्ट नेगेटिव ट्वाइस ओवर एन इंटरवेल ऑफ 24 आवर्स, अब जरूरत नहीं हुए एक पेशेंट को 2 बार नेगेटिव टेस्ट करवाने की, जैसे करवाया इन केस उसका आया पॉजिटिव पहली बारी में, फिर दोबारा कुछ होता होगा तो फिर उसने दोबारा करवाया तो फिर आया नेगेटिव, तो अब जरूरत नहीं बताई गई। क्या कहा गया कि नो लॉन्गर डज ए पेशेंट हैव टू टेस्ट नेगेटिव ट्वाइस ओवर एन इंटरवल ऑफ 24 आवर्स, कि 24 घंटे के अंतराल में उसको 2 बार नेगेटिव टेस्ट करवाने की अब जरूरत नहीं है। एनी पेशेंट, और कोई भी पेशेंट हु डज नॉट हैव एनी सिम्टम्स ओवर 3 डेज, और जिसमें कोई भी ऐसे हमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, यानी कोई लक्षण उसके बीमारी के नहीं दिखाई देते 3 दिन तक, तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अब जाए घर। एंड पेशेंट हु वर ऑन क्रिटिकल केयर रिक्वायर ओनली वन नेगेटिव टेस्ट टू बी डिस्चार्ज, और अगर जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट है और उसमें अगर लगेगा कि उसमें कुछ क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, तो उसका एक नेगेटिव टेस्ट किया जाएगा उसको डिस्चार्ज करने से पहले, छुट्टी देने से पहले, कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया। डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी फॉलोड अप, और जो डिस्चार्ज है उसको क्या है फॉलोड अप करना चाहिए, किसके साथ साथ, होम आइसोलेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज और 2 वीक्स, मतलब कि जिसको छुट्टी दी जा रही है उसको खुद को बाकी लोगों से सबसे अलग रखना है 7 दिन या 2 हफ्ते, जैसा भी उसको उस टाइम पे बताया जाता है, तो वो करना चाहिए विद रिस्ट्रिक्शन, और साथ में वो भी मनाही होगी, पाबंदियाँ होगी उसके मूवमेंट पे आउटसाइड द होम, कि वो घर से बाहर इधर उधर भटके। वाइल द नेचुरल पाथ ऑफ दिस कर्व इज अपवर्ड, हालांकि जो इसका जो नेचुरल पाथ है यानी जो रास्ता है इस कर्व का, वो क्या है ऊपर की ओर है। एनी स्लैंकनिंग यानी एनी कोई भी कम करना इनमें से, हेयर विल हैव डिजास्टेरियस कॉन्सिक्वेंसेज यानी उसके खतरनाक परिणाम होंगे अगर हेल्थ सर्विसेज में कुछ भी डाउन आता है, और या फिर जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो ठीक से, जो उनको जो गाइडलाइंस बताई जा रही है वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, तो क्योंकि इसका जो कर्व है बीमारी का वो काफ़ी ऊपर जा रहा है, और कर्व ऊपर जा रहा है तो हमें साथ साथ हेल्थ सर्विसेज को भी ऊपर लेके आना होगा, अगर कहीं पर कुछ भी डाउन किया हमने
तो उसके परिणाम का आगे जा रहे हैं बहुत भयानक होंगे। द फोकस ऑन हेल्थ केयर मस्ट नॉट बी लॉस्ट, और जो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर जो ध्यान है वो कहीं से भी खोना नहीं चाहिए किसी भी पॉइंट पे, इन द कॉन्टिनम ऑफ फाइटिंग दिस एपिडेमिक। और यह बहुत जरूरी है, निरंतर जरूरी है, कॉन्टिन्यूस जरूरी है इस महामारी से लड़ने के लिए, स्पेशली और खास तौर पे जब व्हेन द नंबर ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर COVID-19 इन द कंट्री इज रेडली स्टेडली। मतलब कि जो नंबर ऑफ केसेस अभी आ रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं COVID-19 के, वो भी देश में काफी बढ़ रहे हैं। द थ्रेट ऑफ दिस एपिडेमिक रीचिंग ए पीक एंड ओवर ब्लेमिंग स्ट्रेच, और जो इस बीमारी का जो खतरा है वो भी क्या है, पीक पे पहुंचता जा रहा है, एंड ओवर ब्लेमिंग स्ट्रेच, और मतलब कि बहुत व्यापक स्तर पे हेल्थ केयर के जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाया गया है, एंड फैसिलिटीज इज क्लियर एंड प्रेजेंट, और अभी क्लियर और साफ साफ है सामने। इन सम स्टेट और कुछ राज्यों में इट इज़ पॉसिबली ऑलरेडी हैपनिंग, और यह कुछ राज्यों में पहले से ही हो चुकी है, यानी अच्छी कर जा चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। इन दिस सिनेरियो, और इस अवस्था में, इस स्थिति में, ए प्रॉपर ट्राइज, ट्राइज मतलब क्या था, वहाँ पे प्रायोरिटी हमें सेट करना है कि पहले किसको ट्रीटमेंट देना है, टू डिस्टिंग्विश करना पीपल विद माइल्ड सिम्टम्स और नॉन, यानी जिसमें हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं उसको, और जिसमें नहीं है उसमें, फ्रॉम सिक पेशेंट्स जो बीमार लोग हैं उनमें से, इज एसेंशियली जरूरी है टू एंश्योर करना दैट द हेल्थ सिस्टम रिमेंस रिस्पॉन्सिव, जो हमारा स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो रिमेंस रिस्पॉन्सिव रहे, यानी कि वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके, यानी इलाज कर सके, कि वो खुद ही ना बीमार पड़ जाए, टू द रियली सिक पीपल एंड हेल्प देम रिकवर, जो सही में बीमार है उसको पहले बहुत ज़रूरत है कि उसको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले और उसको क्या मदद मिले जिससे वो जल्दी रिकवर होकर ठीक हो जाए। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके एंड इजी एक्सेस टू इमरजेंसी केयर्स आर इम्पोर्टेंट, और सभी को आसानी से इन चीज़ें उपलब्ध हो सके, इमरजेंसी केयर सर्विसेज, वो बहुत ज़रूरी है, COVID-19 केयर सेंटर्स एंड कोविड हेल्थ सेंटर्स, एंड एडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ होम क्वारंटाइन पीपल, और पर्याप्त मात्रा में उनकी निगरानी करना जो लोग होम क्वारंटाइन में है, पॉसिबली इन एसोसिएशन विद, हो सकता है किसके साथ करो आप बेहतर तरीके से, लोकल बॉडीज के साथ कर सकते हो, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई हेल्प करना चाहता है उसके साथ, यह बहुत एसेंशियल यानी यह बहुत जरूरी है। एवरीथिंग द गवर्नमेंट डज हेयर ऑन मस्ट बी टू अलाउ द रिकवरी रेट रीच इट्स नेचुरल पोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड टू कीप द केस फर्टिलिटी रेट डाउन, यानी हर कुछ वो करना चाहिए सरकार को कि जो अलाउ करे रिकवरी रेट को वहाँ तक पहुँचाने में जो नेचुरल पोर्शन है जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है। लाइक एग्जांपल, अगर 10 लोग बीमार हो गए हैं, पहली बात तो होने ही नहीं चाहिए, इनके सो जाते हैं 10 लोग बीमार, तो सरकार को वो सारी कोशिशें करनी चाहिए कि वो 10 के 10 लोग रिकवरी रेट में आ जाए, यानी वो ठीक हो जाए। इससे होगा ये जो हमारी फर्टिलिटी यानी जो मृत्यु दर है वो काफ़ी डाउन हो जाएगी और जीरो हो जाएगी। अगर जीरो नहीं कर सकते तो कोशिश इतनी करो कि उसे कम से कम, कम से कम जितनी कम कर सकें हमें वो करनी चाहिए, क्योंकि जब ही हम COVID-19 से अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। यह था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर से ले लेता हूँ, काफ़ी जो समस्या आ रही थी अभी तक, सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही थी कि मेरी वीडियो सर्च नहीं हो पा रही थी, मिल नहीं पा रही थी, उसकी समस्या का एक समाधान किया गया है। आप सिंपली आप गूगल पे टाइप करेंगे द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश सर, जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद में आपको वीडियो मेरी शो होने लग जाएंगी, चैनल का लिंक आ जाएगा, तो चैनल पे जाके आपको जो भी वीडियोस देखनी है, चाहे हिंदी हिंदू एडिटोरियल की देखनी हो, चाहे जनरल अवेयरनेस की देखनी हो, चाहे वैकेंसी नोटिफिकेशन की देखनी हो, चाहे रीजनिंग की देखनी हो, तो सभी वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो ये था आज का क्लास के लिए इतना ही, तो थैंक यू गाइस, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को चलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।